वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी 3 क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लासेस अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। देन आज की जो क्लास है हमारी वो है साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, और वो थोड़ा सा इजी सिंपल टॉपिक है, छोटा टॉपिक है। और उसके साथ आज जो हमने दूसरा टॉपिक उठाया वो उठाया हमने कोडिंग एंड डिकोडिंग का। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के बारे में वर्बली बताता चलूं, क्योंकि ये एक ऐसा टाइप है इस टेस्ट का कि इसको हम नहीं समझा सकते, यानी इसको इस तरह नहीं समझा सकते कि इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, क्या समझाया जाए। जितनी आपके पास वोकैबुलरी होगी उतना ही आप अच्छे तरीके से इस टेस्ट को सॉल्व कर सकेंगे। अब सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के अंदर क्या आता है कि एक वर्ड दिया गया होगा, ठीक है, तो उसको रेशियो दिया होगा रिलेशनशिप में। जैसे हमने एनालॉजी में बात की थी कि फॉर एग्जांपल एक वर्ड है डे इज टू नाइट, ठीक है, देन मैन इज टू व्हाट, डे इज टू नाइट, मैन इज टू लेडी। अब इसके अंदर एनालॉजी का ये क्वेश्चन भी हो गया, देन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का क्वेश्चन होगा, क्योंकि अपोजिट एंटोनिम्स की बात की गई है। डे का अपोजिट क्या है, नाइट है, देन मैन का अपोजिट क्या है, लेडी है, वुमेन है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके पास वोकैबुलरी अच्छी होगी देन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, अगर आपके पास वोकैबुलरी नहीं होगी देन मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आपको अपनी वोकैबुलरी पर खुद जो है ना ध्यान देना पड़ेगा। अब बात जो हमने सिनोनिम्स एंटोनिम्स की किए वो तो आपके वोकैबुलरी के ऊपर डिपेंड करती है, इस वीडियो में हमने उसको इंक्लूड नहीं किया। अभी जो हमारा मेन टॉपिक है इस वीडियो के अंदर वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग का। ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग का जो हमारा टॉपिक है वो भी एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे ISSB के अंदर। इनिशियल के अंदर ज्यादातर इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके वैसे तो बहुत ज्यादा टाइप है। जो मेन टाइप 3 टाइप्स है वो मैंने यहाँ पर लिखे जो ज्यादातर टेस्ट के अंदर आते हैं, और ये जब आप टेस्ट देने जाएंगे आपको ये इस तरह क्वेश्चन नजर आएंगे। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। देन हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग का। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है लेटर कोडिंग टेस्ट। अब लेटर कोडिंग टेस्ट से क्या मुराद है कि लेटर को कोड किया गया है। अब लेटर को सबसे पहले आपको क्वेश्चन मिला होगा कि वहां पर एक लेटर को, एक वर्ड को कोड किया होगा दूसरे लेटर या वर्ड के साथ, ठीक है। इसी तरह पहली जो रिलेशन मिली होगी क्वेश्चन में उसी को फॉलो करते हुए आपने उसका राइट आंसर नीचे चूज करना है। दूसरा वर्ड दिया होगा उसकी आपको कोड करना होगा, वो आपको खुद कोड करना होगा। पहले एक कोडिंग दी गई होगी उसी को फॉलो करते हुए आपने दूसरी कोडिंग करनी है, ठीक है। अभी जो मेन चीज है इसके अंदर लेटर कोडिंग टेस्ट के अंदर वो उसका मैं एग्जाम्पल आपको यहां पर करवा रहा हूं। तो उसकी जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है वो है हमारे पास If love is coded as If love is coded as MPWF, then kit will code it as. अब हमें जो पहला क्वेश्चन मिला गया वो है इफ लव इज कोडेड एज MPWF, जहां पर पहली रिलेशन हमें मिल चुकी है कि लव को MPWF के साथ कोड किया गया है। अब देन केट इट, केट विल कोडेड एज, अब केट को किसके साथ कोड करेंगे इन दोनों की रिलेशन को फॉलो करते हुए। सबसे पहले हमने इन दोनों के रिलेशन को देखना है, ठीक है, वो कैसे। आप यहां पर लिखें एल O V E, ठीक है, उसके बाद आप ये लिखें M P W S। अभी इसके अंदर रिलेशनशिप जो है हर एक लेटर की सेम है। किस तरह, अभी यहां पर
एम को इसके साथ लव को एमपीडब्ल्यूएफ के साथ कोड क्यों गया? सबसे पहली बात, पहला लेटर वो है एल, एल को कोड किया गया है एम से, फिर ओ को पी से, फिर वी को डब्ल्यू से, फिर ई को एफ से। अब किसे किया गया है कि एल के बाद अल्फाबेट्स के अंदर क्या चीज आती है, एल के बाद आता है आपका एम। ये रिलेशन नंबर वन होगी कि यहां पर सीरीज चल रही है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, इस तरह की सीरीज चल रही है, ठीक है। अब एल के बाद क्या आता है, एम, वो हमने लगा दिया। ओ के बाद क्या आता है, पी। वी के बाद हमारे पास क्या आता है, डब्ल्यू। ई के बाद क्या आता है, एफ। देन ये हो गई पहली रिलेशन का एक्सप्लेनेशन, कि पहली जो लव है उसको इस तरीके से एम पी डब्ल्यू एफ पी के हमने इक्वल किया है, कोड किया है। अभी जो केट है, केट, इसको किसके साथ कोड करेंगे? अभी इसी रिलेशन को आप फॉलो करें, केट, केट का पहला जो लफ्ज वो है सी, सी के बाद क्या आता है, डी। ए के बाद क्या आता है, बी। टी के बाद क्या आता है, यू। तो ये इसका कोडेड हो जाएगा कि केट इज कोडेड एज डी बी यू। अब ये हो गया हमारा लेटर कोडिंग टेस्ट, के लेटर कोडिंग टेस्ट के क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं, ठीक है। ये समझ आ गई होगी आपको, बिल्कुल इजी है। सिर्फ उसमें मेन चीज क्या है कि हमने रिलेशन को ढूंढना है, इनके अंदर रिलेशन क्या चीज है। अब एल को सीरीज में लगाया गया, अल्फाबेट्स के अंदर एल के बाद एम आता है, ओ के बाद पी आता है, वी के बाद डब्ल्यू आता है, ई के बाद एफ आता है। इसी रिलेशन को फॉलो करते हुए हमने यहां पर कैट को कोड करना है, कैट के यानी सी के बाद डी आता है, ए के बाद बी आता है, टी के बाद यू आता है। तो हमारा कैट हो गया डी बी यू के इक्वल। अभी हम दूसरा टॉपिक सॉल्व करेंगे जो है नंबर कोडिंग टेस्ट। इसका पहला एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। नंबर कोडिंग टेस्ट के अंदर क्या आता है कि वर्ड दिया गया होता है, एक लेटर दिया हुआ है जिसको नंबर के साथ कोड किया गया है। वहां पर पहली जो हमारा टॉपिक था, पहला जो था हमारा लेटर कोडिंग टेस्ट के अंदर, इसके अंदर हमारे लेटर को लेटर के साथ कोड किया गया, तो यहां पर लेटर को नंबर के साथ कोड किया जाएगा। अब कैसे, इफ एग्जांपल नंबर वन, फीड इज कोडेड एज, अगर फीड को कोड किया जाए 6554, ठीक है, फीड को कोड किया गया है 6554, डेड विल देन, डेड विल कोडेड एज 6554 के साथ, देन डेड को किसके साथ कोड किया जाएगा। अभी इसको समझने से पहले मैं आपको एक मेन चीज समझा रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मेन चीज होगी आपकी, वो होगा आपको अल्फाबेट्स को सीरियल के साथ याद करना। अगर आपको अल्फाबेट्स याद है विद सीरियल ए टू जेड, अगर आपसे बीच में कोई नंबर पूछा जाए, फॉर एग्जांपल एम हमने पूछ लिया, एक्स हमने पूछ लिया, एन पूछ लिया, जे पूछ लिया, के पूछ लिया, तो आपको उसका सीरियल नंबर याद हो। जैसे ए जो है वन पे आता है, बी टू पे आता है, सी थ्री पे आता है, इस तरह के तमाम सीरियल नंबर आपको याद हो, देन फिर ये आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो मैंने आपको बताया आपको समझ आ गई होगी, देन आपको इसका आंसर भी पता चल गया होगा, क्योंकि जो मैंने बात बताई है वो उसी के साथ रिलेटेड है। अब फीड अल्फाबेट्स के अंदर सबसे पहला जो वर्ड ये है एफ, एफ जो है उसका सीरियल नंबर 6 है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो एफ जो है हमारा उसका सीरियल नंबर 6 है, ई का सीरियल नंबर है 5, ए बी सी डी ई, ई का सीरियल नंबर 5 है, देन दो ई हैं तो हमने दो 5 लगा दिए। अब डी का जो हमारे पास सीरियल नंबर है वो है 4, ए बी सी डी, डी का सीरियल नंबर क्या है 4 है, देन
इसी रिलेशन को फॉलो करते हुए हमने डेट को कोट करना है। अब डेट डी, ये तो आपको सिंपल पता चल जाएगा इस डी से। डी का यहां क्या कोट किया गया, फोर। ठीक है, सबसे पहले आपने रखना है फोर, फिर ए। अब यहां पर ए नहीं, आपने यहां पर नहीं देखना, क्योंकि ए की जो हमने बात की है वो अल्फाबेट्स के बारे में की है कि ए का जो सीरियल नंबर है वो है वन। आप यहां पर वन लिखें, देन उसके बाद आपको फिर मिल गया डी, यानी फिर डी का सीरियल नंबर लिखना है जो सेम फोर है। देन ये आपका कोड हो गया कि फीट इज टू कोडेड एस 6554, देन डेट विल कोडेड एस 414। अब ये हो गया एक किस्म का, ये इसकी पहली टाइप होगी। अब इसकी दूसरी टाइप में आपको यहीं से लिखवा रहा हूं कि इसकी दूसरी टाइप क्या है। ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अभी दूसरे टॉपिक की जो दूसरी टाइप में लिखवा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपने समझना है। एग्जांपल है, इफ फीड इज कोडेड एज 20, देन डेड विल कोडेड एज व्हाट। यानी फीड को कोड किया गया 20 के साथ, डेड को किसके साथ कोड किया जाएगा, ये बताना है। सबसे पहले अभी जो ये दूसरा टाइप है हमारा नंबर कोडिंग टेस्ट का, अब उसमें ये मेन चीज क्या आपको ये बतानी है कि फीट को इस 20 के साथ कोड किया। अब ये 20 कहां से आया, अभी मैं आपको भी बताने जा रहा हूं, आपने गौर से सुनना है। पिछले टाइप में मैंने आपको बताया था कि इनके सीरियल नंबर हमने लिखे थे, एफ का हमने लिखा था, इधर मैं सबसे पहले लिख लूं, एफ ई एफ डब्ल्यू डी इज इक्वल टू, एफ का हमने लिखा था 6, ई का हमने लिखा था 5, दो ही है तो 2 5, डी का हमने लिखा था 4। अभी चीज वही है, सिर्फ इन सीरियल नंबर्स को ऐड कर दिया गया, इन सीरियल नंबर्स को प्लस कर दिया गया है, तो हमारा आ जाएगा वहां पर आंसर 20। अब देखें, 6 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 4, तो ये हमारा हो जाएगा 20। यानी इस फीड को हमने 20 के साथ कोड किया। अभी डेट को कैसे कोड करेंगे, इसी रिलेशन को फॉलो करते हुए आपको डेट को कोड करना है। सबसे पहले आप लिखते हैं डेट, अब डेट का पहला जो लेटर हुआ डी, डी को हमने 4 से कोड किया, सीरियल नंबर डी का 4 है, तो यहां पर लिखेंगे 4। अब ए का जो है 1 है, 1 4। अभी सेम रिलेशन आपको यहां पर फॉलो करनी है के ये प्लस है, 4 प्लस 1 प्लस 4, देन इट इज इक्वल टू 9। अब डेट विल कोडेड एज 9। अब वो किस तरह से होगा, मैंने आपको बता दी कि इनके सीरियल नंबर्स को आपस में ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, देन हमारा आंसर आ जाएगा। अभी जो हमारा आखिरी जो टॉपिक है इस कोडिंग या डिकोडिंग का, वो है लेटर नंबर कोडिंग टेस्ट। अब इसमें हम लिखेंगे इफ डाउन इज कोडेड एज 3 5 4 2। ठीक है, यानी डाउन इज कोडेड एज 3 5 4 2, देन won't, will, then won't, will, coded as। अब यहां पर जो पहला हमें पहले रिलेशन जो मिली गई है कि down is coded as 3 5 4 2, इसी को फॉलो करते हुए हमने इस won का बताना है कि won't का क्या होगा।
डाउन इस टू 3542 डाउन। अब बॉन्ड का क्या होगा, अब इसके अंदर सेम रिलेशनशिप जो हमने पहले लगाई थी वो थी सीरियल की, इसके अंदर सीरियल नहीं है, जस्ट नंबर दिए गए हैं, क्योंकि डी का जो है 3 नहीं आता, डी का 4 आता है, तो यहां पर हमें 3 दिया गया। इससे ये चीज बिल्कुल वाजे पड़ती है कि यहां इन्होंने सिर्फ सपोज लिया है, सपोज लेकर ये नंबर इन्होंने लगाए। तो हम करेंगे डी को इन्होंने 3 के साथ कोड किया, आप लिखते हैं डी इज इक्वल कोड 3, ओ इज कोडेड एज 5, डब्ल्यू इज कोडेड एज 4, एन इज कोडेड एज 2। अब ये हो गई हमारी पहली रिलेशन, यानी पहला जो पहली कंडीशन थी वो हमारी ये हो गई, d इज इक्वल टू 3, o इज इक्वल टू 5, w इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 2। अब इसी तरह से बॉन्ड को हमने यहां पर लिख देना है n d। अब यहां से आप सेम इस डाउन से आप नंबर निकाल सकते हैं कि w का हमने क्या निकाला था 4, उसके बाद O का हमने निकाला था 5, N का हमने निकाला था 2, D का निकाला था 3, यानी bond is coded as 4, 5, 2, 3। ठीक है, अब down is coded as 3, 5, 4, 2। ये जो 3, 5, 4, 2 है, मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, ये सपोज लिए गए नंबर है जिसको हमने down के साथ इक्वल किया है। अब इसी के अंदर हमने इससे इसके अंदर से एक वर्ड निकाला है जो है बॉन्ड, W O N D। अब सेम रिलेशनशिप को ये 2 के साथ, W 4 के साथ, O 5 के साथ, एंड D इज इक्वल टू 3। अब इन्हीं नंबरों को इक्वलिटी, जो D का इक्वल 3 हो रहा है, O का इक्वल 5 हो रहा है, इसी तरह से हमने बॉन्ड के भी लगाने हैं कि बॉन्ड का हो जाएगा 4, 5, 2, 3। देन ये इसका पहला हिस्सा था, दूसरा इसका जो हिस्सा है वो भी मैं आपको बता दूं। तो दूसरा हिस्सा है वो भी सेम प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन किया था उसकी तरह है, और उसकी जो मैचेज होती है अपोजिट होता है, देख कैसे कि इफ मेन इज कोडेड एज 921, then name will coded as, then name will coded अब ये भी सेम उसी की तरह जो मैंने पीछे बताया था, सिर्फ इसमें एक डिफरेंस ये है कि अपोजिट हो गई है। अभी जो पिछली हमने इसका जो टाइप किया था उसके अंदर जो हमारा था डाउन और वॉन्ड वाला, उसके अंदर डाउन के अंदर से एक वर्ड बनाया था वॉन्ड, अभी इसके अंदर क्या है कि मेन को अपोजिट लिख दिया गया, यानी उल्टा लिख दिया गया नेम यहां पर है। तो इसका कोड क्या होगा आप अपने माइंड में सेट करें, मैं इसका कोड लिख रहा हूं कि इसका जो राइट होगा, अब देखिए M हो गया हमारा 9, A हो गया हमारा 2, देन N हो गया हमारा 1। अब N का हमने क्या लिखा था 1, तो इधर लिखेंगे 1, 2, 9। जब हमने इसको यहां पर उल्टा लिख दिया, सेम इसको भी उल्टा ही लिखेंगे 1, 2, 9, तो ये हो जाएगा नेम का कोड, यानी नेम इज नेम विल कोडेड एज 1, 2, 9। देन फ्रेंड ये थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन परेशान होने की कोई बात नहीं, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में 3री क्लास के लिंक डाल दिए, आप वहां से भी बैकवर्ड जाके प्रिपरेशन कर सकते हैं। देन फ्रेंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आल्सो शेयर आवर वीडियोस विद योर फ्रेंड एंड वेटिंग फॉर आवर न्यू वीडियोस। थैंक्स, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।